अनु डिस्काउंट है इसमें बहुत प्यारा कलर और नहीं तो क्या अंकल जी का है वो करेंगे यही है अरे पता है पहचान गया मैं पहचान गया इनको तो सब सारे सारा मार्केट पहचान गया ये तो वही लोगों के घंटों घंटों खराब करती है। हेलो दोस्तों वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग नवीन पहाड़ी ब्लॉग्स। तो गाइज आज मैं हूँ ऋषिकेश त्रिवेणी घाट में और ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत ही सुंदर नज़ारा भाई गंगा जी का और सामने भाई इंडिया का हमारा बहुत बड़ा फ्लैग और इस साइड है जयराम आश्रम जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है ऋषिकेश में। तो गाइज आज का ब्लॉग आपके लिए इसलिए इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइज क्योंकि हम आए मार्केट में और मोनी को मेरी वाइफ को और अन्नू को शॉपिंग करनी थी शादी की। सो भाई खर्चे बहुत हैं मतलब कि बीवियाँ ना खर्चे बहुत करवाती हैं उतना तो भाई मैं कमाता नहीं जितना मेरी बीवी खर्च कर लेती है तो अब क्या बताऊं। चलो और गाइज आप ज़रूर बताना कमेंट करके कि आपकी वाइफ जो है खर्चा करवाती हैं आपका कमेंट करके आप ज़रूर बताना। तो चलिए अब चलते हैं आगे। और गाइज एक बात मैं आपको बताता हूँ जो जयराम आश्रम है ना यार बहुत फेमस है और ये देखो उसके सामने ना एक साई गारमेंट्स की छोटी सी दुकान है और सच बताऊँ लड़कियों का भाई फैशन का अड्डा ही है भले ही छोटी दुकान दिखने में है बट यार सच बताऊँ तो लोग ना इतने ज़्यादा लड़कियाँ आती हैं यहाँ पर शॉप पे। अब मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्यों है आई थिंक कपड़े की वैरायटी ज़्यादा रखते होंगे। अब भाई चल रहे हैं उनके डिस्कशन कपड़े देते थे क्या कर रहे हैं बोलो बस अन्नू को देख रही थी पसंद ही नहीं आ रहा है अब जा रहे हैं हम आगे कहाँ अभी हम सचिन की शादी के लिए शॉपिंग कर रहे हैं देखते हैं अब आगे क्या क्या पसंद आता है। अन्नू क्या पसंद आया मैं मेरे को ये टॉप ले गई थी मुझे साड़ी के लिए ना एक्चुअल में क्रॉप टॉप चाहिए था फिर क्या हुआ तो फिर मुझे सेम कलर नहीं मिल रहा है क्योंकि मेरा थोड़ा सा सी ग्रीन या पैरेट ग्रीन कलर। अब गाइस समझ नहीं आता पूरा ना मार्केट घुमाएगी आज और पूरा दो घंटा हमारा खराब कर देगी क्योंकि इसको आसानी से पसंद आते नहीं सामान। जी देखो रोड पे ही बस कपड़े कपड़े बस कपड़े जहाँ देखो कपड़े मतलब रोड पे भी चैन नहीं है गड्ढे मत गिर जाना रोड पे भी चैन नहीं है ये देखो गाइस मार्केट की अपनी रोड है चप्पल दुकान में आते ही ना लड़कियों की आंखें चौंधिया जाती है ये देखो तुमने कहा ना चौंधिया जाती है और ये इनको लग रहा भाई बहुत सारी वैरायटी खरीद लें खरीद के रख लें घर पे और ये ना पूरी दुकान लगाएंगे घर पे ना। और ये स्लीपर देखो गाइस ये ना मैंने टूटने पे आ गई ये मैं छोड़ता नहीं हूँ ये अरे ये साइकिल से फट गई थी पता है साइकिल की एक और थी तुम पे वो नहीं पहन लूं भैया नहीं वो तो पहनता नहीं हूँ मैं वही ले से जाऊं ढूंढ रहे थे हाँ जो हमारी वहाँ पोटी के उसमें चला गए थे ना बाथरूम के उसमें मैंने गिरा देती सारे एक साथ धोए थे सारी लेस बताया कर दी हाँ बकेट में इसने डाली और सारी ले चली गई भाई लेटरिन के उसमें गड्ढे में पता है पानी के साथ और अब फिर शादी में ही तुम लोग ले ले क्या रहे हो हम देख रहे हैं बट हमें देख क्या रही है चप्पल लेडीज लग रही है मतलब मोनी अब ये लेडीज जैसी लग रही है ना तो लेडीज तो है मोनी ऐसा मत बोल आग दिखा रही लेडीज के नाम से। और गाइस ये है त्रिवेणी घाट की मार्केट और यार इतनी ज्यादा भीड़ है कि मैं आपको क्या बताऊं। अगर आपको ऋषिकेश में फेमस डोसा खाना है तो ये है भाई श्री बालाजी रेस्टोरेंट और ये यहाँ चली गई है मोनी और साड़ी लेने के लिए मेरे को आईडिया नहीं है अनु बता मुझे अच्छा लगा यहाँ वो है डेमो मतलब उसके चेंजिंग रूम है चेंजिंग नहीं है अब एक डाल लगा के दिखाते हैं खड़ी होना पड़ेगा मैं खड़े हो जाऊँ तो इसे अलग कर देता हूँ और इनमें से और तो मुझे कुछ समझ नहीं आई ये प्लेन वाला अनु वो शादी का गाउन है वो तो अभी शादी का अलग चीज है ये अलग चीज है अरे नहीं इसके पास हाँ वो ब्लाउज ब्लाउज तो कुछ चक्कर नहीं क्या अभी लाएंगे बोलना चाहोगे मैं कहना चाहूंगी थोड़ा अलग कलर लगा और बहुत सुंदर लग रही है साड़ी देखते हैं मोनी थोड़ी कलर अलग नहीं सब मैं मुझे इसी का सोचा फोटो खींच के भेजता हूं एक्चुअली मैं खुद लेना चाहती थी इस तरीके की साड़ी बट ये कुछ कहना चाहेंगे इसके लिए यही कहना चाहूंगी अभी क्यों दिखा रहे हो भाई बाद में दिखाना शादी में जब मैंने इसको ट्रायल ले रही ना वो ये रहा मोनी कैसा लग रहा किस तरीके की टाइप साड़ी चाहिए थी कंफर्टेबल जेब तो बजट हमारी ढीली होगी भाई पैसे हमारे ढीले होंगे शादी भाई गलती हो गई अनु जचरी है अभी रुको ना अभी प्रॉपर उसने प्रॉपर कैसे बनेगी है प्रॉपर लाइक अभी पल्ला डाली अच्छा पट्टा बांध रहे हैं कस के मत बांधना है बल्लू इज यार
बल्लू है वहाँ पे। ये लो भाई, ये जाएगी अभी रैम, अभी क्या बोलते हैं, कैटवॉक बोलते हैं, रैम बोलते हैं। क्या कितने की भैया ये? सबसे डिफरेंट है ये, 2300। सही लगाओ, डिस्काउंट है? सही क्या लगाओ, डेली के आने वाले हैं, उनसे तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। अनु डिस्काउंट है ना इसमें? अनु डिस्काउंट है इसमें? और नहीं तो क्या, अंकल जी का है वो करेंगे। यही है, अरे पता है, पहचान गया, मैं पहचान गया। इनको तो सब सारे सारा मार्केट पहचान गया। ये तो वे लोगों के घंटों घंटों खराब करती है, मार रही मेरे को। ये अनु ये सही लग रहे ना? ये भी ठीक है, बड़े इससे सही तो मेरे को वो लग रही थी वाली, इससे इससे बेटर वो ना अनु, हमने फाइनली साड़ी डन कर ली है और अभी उसके लिए हमें पेटीकोट वगैरह लेना है। और चलो देखते हैं कि कहाँ से हमें ब्लाउज वगैरह मिलता है, अभी हमें कुछ पता नहीं है उसका, पर हमें इतना पता है कि वो बहुत सुंदर लगने वाली है मोनी से पहन के। और अभी हम बताएंगे नहीं हमें कौन सी साड़ी ली है। चलो गाइस, ये एक सरप्राइज है। और गाइस अभी रह गया कुछ सामान, तो अभी अन्नू जा रखी अंदर और मोनी है यहाँ पर वेट कर रही, और अभी कुछ सामान और लेना है साड़ी के साथ, तो अभी ये ले रहे हैं। अन्नू मैच कर रहा है ये? दिखाना, दिखा, मैच कर रहा है ना प्रॉपर। अभी तुम्हें क्या गोल रुपये खाने हैं? गोल रुपये खाने यार, एक लिपस्टिक लाओगे क्या? लिपस्टिक ले लियो, अब ये गोल गप्पे खाने जाएंगे भाई सामने। अनु क्या ले रहे हो? अनु लिपस्टिक चेक कर रहा है अभी, लिपस्टिक का नहीं, इसे ना वो वाला शेड चाहिए, वाइन कलर का शेड चाहिए जो इसकी साड़ी है। दारू की बोतल? नहीं नहीं, दारू की बोतल, वाइन, दारू वाइन थोड़ी होती है। क्या होती है? वाइन दारू थोड़ी के वन वाइन। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं घर शॉपिंग करके ऋषिकेश से, और अभी हम कहां जा रहे हैं मोनी? मेहंदी में। हां अभी हमारे एक भैया है रवि भैया, उनका नाम है केडी, उनको बोलते हैं। तो अभी गाइस हम जा रहे हैं मेहंदी में, तो चलिए आपको वहीं मिलते हैं। तो यार गाइस कल हम खा पी के मेहंदी से आ गए थे रात को, और अभी आप देखो सुबह सुबह भाई उठते ही मैडम जी ने पूरे कपड़े फैला दिए, बिकॉज अभी जो सर्दी के कपड़े हैं ना गाइस उसको रखना पड़ेगा पैक करके अंदर, और जो गर्मी के कपड़े हैं क्योंकि गर्मी आ चुकी है, और गर्मी के कपड़े निकाल रही बाहर, तो सारे सेट कर रही है। उन्होंने कुछ बोलना चाहोगी? मैं अकेले काम कर रही हूँ, कोई हेल्प भी नहीं करा रहा, हेल्प नहीं करा सकते हो मेरी? गाइस ये देखो मेरे को टोंट कस रही है, मेरे को बोल रही कि भाई मेरी हेल्प नहीं करा रहा ये बंदा, बट ऐसा नहीं है, सारे कपड़े मैंने अंदर से बाहर निकाले। क्या? भाई बहुत क्या निकाले? अंदर यार, से यार झूठ बोलते हो, डरते नहीं हो भगवान से? तुमने बस बैग निकाल के दिए बाहर। गाइस ये हर बीबी की शिकायत होती है अपने पतियों से, तो भाई अगर आप पति हैं, तो अगर आप बीबी भी हैं तो कमेंट करना, दोनों आप लोग कमेंट करना कि आपकी क्या राय है हम दोनों को लेकर, या फिर आपकी अपनी पर्सनल राय क्या है हस्बैंड वाइफ की। तो जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय दोस्तों।